जब हम इसके सोर्स की बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की क्या इसका सोर्स रहा होगा तो एक बहुत कॉमन चीज़ जो है इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत कॉमनली न्यूज़ में रहता है ड्यू टू वेरियस रीजनस जैसे राइजिंग uh, इनिटी इंडिया में एक बहुत प्रोमिनंट uh, रीज़न है इंक्लूसिव ग्रोथ को जहाँ हमें अचीव करना है uh, तो और जब आप इसके जी एस थ्री के सिलेबस की बात करते हैं तो उसमें बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन की तरह लिखा हुआ है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज एंड चैलेंजेस राइजिंग आउट ऑफ इट तो हमारे लिए ये प्रिपेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है अब हम इसके बिल्कुल स्ट्रक्चर की बात करें कि इस क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं हमें पर पार्ट और इंट्रोडक्शन का क्या अप्रोच होना चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि फर्स्ट uh, पार्ट यही है हमारा कि वॉट डू अंडरस्टैंड वाई टर्म इंक्लूसिव ग्रोथ तो ऐसे क्वेश्चन का जो बेस्ट अप्रोच ये रहता है इंट्रोडक्शन लिखने के लिए कि आप इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन से स्टार्ट करिए एक बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखिए आप इंक्लूसिव ग्रोथ की और uh, इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन जो है दो इंस्टीट्यूशन की वाइडली रिकोगनाइज है एक यू की है और भी डेफिनेशन हैं बट ये दो इंस्टीट्यूशन बहुत प्रोमनेंटली इनकी डेफिनेशन यूज होती हैं एक ओ की है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं बट जो जब आप डेफिनेशन लिखें इंक्लूसिव ग्रोथ की तो उसमें दो पर्टिकुलर जो टर्म है जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स वर्ड्स हैं वो आने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल दर शुड बी अ सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ और जो दूसरा टर्म है वो है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो आप देखिए कि अगर आप, तो आप इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन लेकर अपने डेफिनेशन में जरूर इंक्लूड करें उसके बाद फिर जब हम आ, इस क्वेश्चन के आ, आगे बॉडी पार्ट में आते हैं इंट्रोडक्शन के बाद तो आप इंट्रोडक्शन में एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि वाई इंडिया नीड्स इंक्लूसिव एंड सस्टेन ग्रोथ तो आ, जो फर्स्ट पोर्शन है हमारा क्या इनक्वालिटी हमारी सोसाइटी में बहुत बढ़ रही है कॉमन थीम है ये तो आप ये डाटा के थ्रू भी लिख सकते हैं कि इनक्वलिटी इतनी ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में कि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ मूव करना ही पड़ेगा उसके बाद फिर जब आप बॉडी पोर्शन में आएंगे तो आप वहाँ पे एक बेसिक छोटे से पोर्शन में आप एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बताइए कि इंक्लूसिव ग्रोथ के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं आप इसको आ, डायग्राम के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया है आप बेसिकली अब इसमें देखिए जैसे कि इम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है इक्विटी इज इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और मोर ओवर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉवर्टी रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो आप इस तरह से इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं आप डायग्रामेटिकली ग्रो कर सकते हैं और उसके बाद फिर इससे आप इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में बहुत ईजिली ट्रांजिशन कर जाएंगे तो जब हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो इसका सेकेंड पार्ट है वो है हाउ बैलेंसिंग नियर टर्म ग्रोथ इंपेरेटिव विद लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज इज नेसेसरी फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि कैसे हम अगर नियर टर्म जो हमारे ग्रोथ इम्पेरेटिव्स हैं उसको हम बैलेंस कर लें और उसको हम लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज़ के तरह देखें तो वो हमें इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ दोनों ही अचीव करने में हेल्प करेगा या वो दोनों ही अल्टीमेटली हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो वी हैव टू मेक अ लिंक कि कैसे हमारा जो नियर टर्म का ग्रोथ प्रोजेक्शन है या जो हमारा नियर टर्म का जो ग्रोथ इम्पेरेटिव है वो कैसे हमें लॉन्ग टर्म में हेल्प करने वाला है तो कॉमन सी चीजें हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है जैसे जो इकोनॉमी के माइक्रो इंडिकेटर्स है फॉर एग्जांपल जीडीपी इन्फ्लेशन तो सस्टेन ग्रोथ होना चाहिए जीडीपी में इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल होनी चाहिए जो भी uh, टर्म एंड कंडीशन है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग और अगर ये कंडीशन हम फुलफिल कर पाते हैं इन लॉन्ग रन तो हम एक सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ देखेंगे सस्टेंड इकोनॉमिक ग्रोथ जहाँ पे सेविंग रेट्स हाई होंगी क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और जब सेविंग रेट्स हाई होंगी तो वी कैन इन्वेस्ट इन इकोनॉमी तो ये एक जो है बहुत ही वर्चुअस साइकिल है बहुत हेल्पफुल साइकिल है इकोनॉमी के लिए उसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अभी प्रायोरिटी होना चाहिए ये होना चाहिए कि हम कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में खुद को ग्रो करें कैसे हम अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है इंडिया का उसको प्रमोट करें तो जैसे एजुकेशन में उसको प्रमोट करें स्किलिंग करें जब हमारा ह्यूमन रिसोर्स वेल डेवलप्ड होगा तो वो लॉन्ग रन में वेल well एम्प्लॉयड भी होगा और उसके बाद फिर दे विल अर्न मोर सो दे विल इन्वेस्ट मोर इन इकॉनमी तो जो वर्चुअल साइकिल है इन्वेस्टमेंट की इकोनॉमी में वो रन करती रहेगी एंड जो बेसिक फिनोमनाज हैं पॉवर्टी के और दूसरे हंगर माल न्यूट्रिशन के वो दूर होंगे उसके बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है नियर टर्म में हमारी वो है कि जो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इकॉनॉमी में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ जैसे कनेक्टिविटी uh, के एस्पेक्ट्स में है लॉजिस्टिक डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स में है तो बहुत सारे डाटा आप पढ़ते होंगे कि लॉजिस्टिक uh, सेक्टर अच्छा ना होने की वजह से हम uh, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट की वजह से फिर उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है और इकोनॉमिक सर्वे ने लास्ट ईयर बहुत अच्छा कंपैरिजन किया था कि कैसे जब एक इकोनॉमिक सर्वे की मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे ने कंपैरिजन किया था कि अगर हम कोई प्रोडक्ट पर्टिकुलरली यूपी से हम अमेरिका uh, की तरफ भेजते हैं तो वो 40 से 50 दिन के भीतर पहुँचता है और इसमें भी वो मोर देन 20 डे इंडिया में ही रहता है तो आप सोचिए कि हमारे विद इन कंट्री लॉजिस्टिक मूवमेंट कितनी स्लो है तो इन दिस कंटेक्सट वी हैव टू फोकस ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने सिर्फ एक कंटेक्स्ट बताया है आपको कि लॉजिस्टिकल मूवमेंट है आप दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चरल एरियाज डिस्कवर कर सकते हैं जैसे कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हो गई फॉर फार्मर या फिर और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एस्पेक्ट्स हो गए बेसिकली वो इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स जो हमारे इकोनमी को लॉन्ग रन में बूस्ट करें जिनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं गवर्नमेंट की स्पेंडिंग uh, के टर्म्स में उसके बाद फिर हमारा इसी के साथ ये होता है कि हम इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल चीज़ों को प्रोटेक्ट करें और प्रमोट करें रादर देन बिकमिंग ब्लाइंड इन द रेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो जब हम इन्वायरमेंट और जो इंडस्ट्री का कंपटीशन है उसको बैलेंस करके रखेंगे तो जो एक बहुत प्रोमिनेंट डिबेट है बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस वो सेटिसफेक्ट्री रहेगी और हम लॉन्ग रन में किसी भी फुट पे या किसी भी स्टेप पे कोई ऐसा हैपनिंग नहीं देखेंगे जो हमारे ग्रोथ को पीछे लेके आ जाए हम एक फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी विजन है कि वी हैव टू फोकस ऑन जीरो इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट उसके बाद फिर हमें स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करनी है कुछ जैसे जो हमारा रूरल इकॉनमी है वो हमारे अर्बन इकॉनमी से बहुत पीछे है तो हम कैसे रूरल इकोनॉमी को अर्बन इकोनॉमी के बराबर लेके आए कि अर्बन कंजेशन कम हो क्योंकि ये भी एक इंक्लूसिव ग्रोथ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अभी हम देखते हैं कि अर्बन कंजेशन होने की वजह से बहुत सारे नेगेटिव फिनमनाज हमको देखने को मिले हैं जैसे प्रोलीफ्रेशन ऑफ स्लम्स है उस स्लम्स की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं या फिर जैसे आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि बहुत सारे स्लम्स में आ, सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी और मुंबई पर्टिकुलरली इसका एक प्रोमिनेंट uh, एग्जाम्पल है कि मुंबई में स्लम्स में कैसे इशूज़ uh, क्रिएट हुए उसके बाद फिर वी हैव टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एडोपन एज वेल टेक्नोलॉजी एडोप्शन में uh, हमको विद टेक्नोलॉजी uh, प्रोग्रेस uh, करना है डिजिटलाइजेशन uh, की तरफ बढ़ना है जैसे हमने uh, एक बहुत ही रिमार्केबल इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन में बोला जाता है कि यू का एडोप्शन जो है कंट्री में तो हमें और इनोवेट करना है इस कंटेक्सट में हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है जो हमारे लिविंग uh, स्टैंडर्ड्स को और क्वालिटी दे सके और वो इन्वायरमेंट को कम हार्म करे और इसकी वजह से क्या होगा कि जो रिच और पुअर का डिवाइड जो है वो कम होगा और इनक्वालिटी कम होगी सोसाइटी में उसके बाद फिर जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का जो इंस्टीट्यूशन है इंस्टीट्यूशन्स का बेसिक मीनिंग है कि जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होने चाहिए जो इवेलुएशन और फीडबैक का मैकेनिज्म होना चाहिए प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वगैरह में वो बहुत साउंड और इफ़ेक्टिव होने चाहिए आप कितनी भी पॉलिसीज़ बना लीजिए अगर एक अच्छी तरह से उन पॉलिसीज का एवेलुएशन नहीं हो रहा है गवर्नेंस में बेसिकली यही एक प्रॉब्लम रहती है कि आप पॉलिसीज तो बहुत अच्छी बनाते हैं बहुत अच्छे पॉलिसीज डिज़ाइन की जाती है बट जब वो ग्राउंड लेवल पे लॉन्च होती है तो उसका पीरियोडिकल इवेल्यूएशन नहीं हो पाता उसकी इंप्लीमेंटेशन में लैकिंग हो जाती है जिसकी वजह से वो फेल कर जाते हैं तो वी हैव टू फोकस फोकसली ऑन दीज एस्पेक्ट्स एज वेल इसी के साथ हमें ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करना है तो आप देखिए कि ये हमारे शॉर्ट टर्म विजन है बट जब हम इनको अभी प्रायोरिटाइज कर लेंगे तो जो हमारा लॉन्ग टर्म इम्पेरेटिव है लॉन्ग टर्म जो गोल है हमारा कि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ना है हमें सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ना है तो अगर हम इन बेसिक चीज़ों का अभी अपने जो करंट में इकनॉमिक ग्रोथ का है जो हमारे करंट का पॉलिसी डिज़ाइन फॉर्मूलेशन है उसमें हम इनकलकेट करें इन चीज़ों को तो जो हमारे लॉन्ग टर्म का विजन है या गोल है वो ऑब्वियसली हमें इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा और हम कंक्लूड इसी पॉइंट के साथ करेंगे कि जो हमारा जो अभी करंट का विज़न है वो प्रो ग्रोथ होना चाहिए और वो इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि वो इक्विटी परमोट करे रादर देन इक्वालिटी इन सोसाइटी और उससे सोसाइटी में इनकम इन इनक्वैलिटी सोशल इनक्वैलिटी ये परपेचुएट ना हो तो आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा और आपको इस क्वेश्चन आंसर मिला होगा सी यू इन नेक्स्ट डिस्कशन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग